नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिक सर्किट के लेक्चर नंबर 7 में। आज हम सुपरपोजिशन थ्योरम को डिस्कस करेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम एक और थ्योरम है किसी भी सर्किट को एनालाइज करने के लिए, लेकिन इस थ्योरम की कुछ लिमिटेशन है, और वह यह है कि सुपरपोजिशन थ्योरम केवल लीनियर सर्किट्स के लिए एप्लीकेबल है। लीनियर सर्किट्स वह सर्किट्स होंगे जहां पर इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशनशिप है वह लीनियर होगा। सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट है, इन अ लीनियर सर्किट करंट थ्रू अ रजिस्टर कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग एल्जेब्रिकली ऑल द करंट्स कॉज्ड बाय सेपरेट इंडिपेंडेंट सोर्सेज एक्टिंग अलोन विद अदर सोर्सेज रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी भी रजिस्टर से फ्लो होने वाले करंट उन सभी करंट्स के एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा जो कि एक बार में एक एनर्जी सोर्स सर्किट में लगे होने के कारण रजिस्टर से फ्लो हो रहा हो, बशर्ते अन्य सभी सोर्स उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस किए गए हों। आइए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक सर्किट ड्रॉ कर रखा है जहां पर एक डीसी सोर्स लगा हुआ है 3 वोल्ट का डीसी वोल्टेज सोर्स और एक डीसी करंट सोर्स लगा हुआ है 2 एम्पियर का, और हमें ये चाहिए कि 9 ओम रजिस्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं पहले 3 वोल्ट बैटरी के कारण या 3 वोल्ट डीसी सोर्स के कारण हम 9 ओम से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को ज्ञात करेंगे। इसी तरह से हम 2 एम्पियर करंट के कारण या 2 एम्पियर डीसी करंट सोर्स के कारण 9 ओम रजिस्टर से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू ज्ञात करेंगे, बशर्ते हमने 3 वोल्ट डीसी सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया हो। ये दो करंट्स जो प्राप्त होंगे इनका एल्जेब्रिक सम हमें फाइनल वैल्यू ऑफ करंट बताएगा। तो आइए देखते हैं, इस 3 वोल्ट हम सबसे पहले इस सर्किट के थ्रू हम देख रहे हैं कि 3 वोल्ट डीसी सोर्स के कारण इस 9 ओम रजिस्टर में कितना करंट फ्लो रहा है, उसका मान हमने मान लिया है या उसकी वैल्यू हमने मान ली है I1, और इस करंट सोर्स को हमने उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया है। एक करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर वह आइडियल करंट सोर्स है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट। इसी प्रकार से एक डीसी वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस, आइडियल डीसी वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। तो हमने क्या किया, यहां पर एक जो हमें डीसी वोल्टेज डीसी करंट सोर्स दे रखा है उसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट से रिप्लेस कर दिया। इसका मतलब वहां पर ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट होके हमारे पास जो इक्विवेलेंट सर्किट बना वो इस प्रकार से बना। यहां पर हम देख सकते हैं दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस आपका 15 ओम हो गया। वोल्टेज अप्लाइड 3 वोल्ट है, तो करंट जो होगा वो कितना होगा, 3/15 = 0.2 एम्पियर। इसी प्रकार से जब हमने 3 वोल्ट को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से, 3 वोल्ट डीसी सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया, तो हमने यहां पर शॉर्ट सर्किट कर दिया। और फाइनली जब हम देख रहे हैं कि 2 एम्पियर डीसी सोर्स की वजह से इस 9 ओम रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो इक्विवेलेंट सर्किट जो बनने वाला है वो इस प्रकार से बनने वाला है। यहां पर डीसी वोल्टेज सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया गया है। अब हम देख सकते हैं यहां पर दो पैरेलल पाथ्स हो गए हैं, एक पाथ में 9 ओम रेजिस्टेंस है, दूसरे पाथ में 6 ओम रेजिस्टेंस है। यहां पर हम अब करंट डिवीजन रूल का एप्लीकेशन देखने वाले हैं। करंट डिवीजन रूल क्या कहता है कि अगर मुझे 9 ओम रेजिस्टर से, या हम बोलें कि जिस ब्रांच से हमें करंट निकालना है उसके लिए हमें क्या करना होगा, टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय अदर्स ब्रांच रेजिस्टेंस। अगर हमें 9 ओम रेजिस्टर से निकालना है तो अदर ब्रांच का रेजिस्टेंस हो गया 6 ओम,
डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो हमने इस प्रकार से I2 का मान निकाला 0.8 एम्पियर। सो टोटल करंट क्या होगा I1 और I2 का एल्जेब्रिक सम विच इज इक्वल टू 1 एम्पियर। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि I1 और I2 की वैल्यू दोनों पॉजिटिव आई है, यानी दोनों करंट्स का डायरेक्शन सेम है। अगर इनमें से एक भी करंट का वैल्यू नेगेटिव आता तो एल्जेब्रिक सम में, लेट्स से कि I2 का वैल्यू नेगेटिव आता तो हम कहते हैं कि टोटल करंट वुड बी I1 माइनस I2, और वो भी फाइनली हमारे पास यहाँ पर आता 0.6 एम्पियर, और 0.6 माइनस 0.6 एम्पियर, और माइनस का मतलब है कि जो डायरेक्शन हमने अज्यूम करी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो करंट फ्लो हो रहा है। धन्यवाद। लेक्चर नंबर 7 सुपरपोजिशन थ्योरम। आपके कुछ डाउट्स हों तो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे क्वेरी कर सकते हैं।